हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति ब्यूटी स्टेशन। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब घर पे अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजॉन ब्यूटी हॉल पार्ट 3। तो इससे पहले भी मैं 2 पार्ट शेयर कर चुकी हूँ, तो उसे आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, और या फिर लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये है पार्ट 3। तो इसमें भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से मंगाए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आप उसमें से कुछ भी लेने का सोच रहे हैं या फिर आपको कन्फ्यूज़न है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्रोडक्ट्स कैसा है, तो उससे इस वीडियो से जो है आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने इस बॉक्स में रख लिए हैं सारे, और वन बाय वन मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये लव ब्यूटी एंड लव प्लैनेट कोकोनट वाटर एंड मिमोसा फ्लावर अरोमा बॉडी वॉश। तो इस 400 ml बॉडी वॉश है ये, और इसकी जो प्राइस है वो है 324 rupees इसकी प्राइस है। और इसमें जो है कोकोनट और मिमोसा फ्लावर का जो फ्रेग्रेंस आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बॉडी वॉश को जो है मैंने बहुत लोगों को, बहुत ब्यूटी ब्लॉगर को जो है यूज़ करते हुए देखा है, तो मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं इससे ट्राई करूं, इसलिए मैंने इसे लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी, 400 ml क्वान्टिटी आपको मिल रही है। ये वीगन है तो काफ़ी अच्छी स्मेल है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये लॉरियल पेरिस का 1.5% हाइलुरोनिक एसिड। तो ये ऑलरेडी मेरा फेवरेट सीरम है हाइलुरोनिक एसिड में, और मैं इसे ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, हाईली रिकमेंड करूँगी आपको इसे यूज़ करने के लिए। और इसकी जो प्राइस है वो है 439 rupees, और ये जो है छोटा वाला है, आई थिंक 15 ml प्रोडक्ट है ये। और पैकेजिंग अभी मैंने ओपन नहीं किया है, बट ग्लास बॉटल में ही आता है, क्लियर ग्लास बॉटल में, और आपको दिखा देती हूँ मैं। तो इस तरीके का सीरम है ये, आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी पसंद है मुझे। तो इसे भी मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर आप ट्राई करें, अगर आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये बेस्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो मैंने रिसेंटली ही यूज़ करना स्टार्ट किया है, और वो है ये रीयूजबल मेकअप स्पॉन्ज है, ये मेकअप रिमूवर स्पॉन्ज है, ये फेशियल स्पॉन्ज आप जो भी जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। इसे आप ओपन करते हैं तो इसमें आपको जो है 4 पैड्स मिलते हैं इस तरीके से, और इसकी जो प्राइस है वो है 399, पैक ऑफ 4 है ये, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है ये। तो इसमें जो है ब्राउन और पिंक कलर के इस तरीके से जो है आपको इस 4 पैड्स मिलते हैं। मैं ऑलरेडी 2 मंगा चुकी हूँ पहले और यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए जो है मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने इसे और मंगाया है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैड्स हैं ये। इसमें जो है आपको वेट करके आप अपने फेस को पूरा क्लीन कर सकते हैं, वेट करके इसमें माइसलर वाटर यूज़ करके आप अपने फेस से मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं 399 में, मतलब एक जो पैड है वो आपको 100 rupees में मिल रहा है। तो इन दिनों जो है अफोर्डेबल मेकअप मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ, मार्स इनसाइड कॉस्मेटिक और स्विस ब्यूटी के। तो स्विस ब्यूटी के जो है इस फाउंडेशन को मैंने मंगाया है, जो कि है स्विस ब्यूटी रिपेयर कंसील एंड मॉइस्चराइज स्किन केयर सीसी क्रीम फाउंडेशन है ये। तो ये सीसी क्रीम फाउंडेशन है, और इसकी जो प्राइस है वो कुछ मुझे मिली है ये 224 rupees में मिली है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे मिला है 224 rupees में, और मेरा जो शेड है वो है आइवरी शेड है, आई थिंक, हाँ, 01 वाइट आइवरी शेड है ये, और देखने में बहुत ज़्यादा वाइट सा लग रहा है आपको, बट मैंने इसे थोड़ा सा ट्राई करके देखा है तो ये अच्छे से मतलब मेरे स्किन टोन पे सूट हो जा रहा है, और 224 rupees में ये मिल रहा है आपको। फिट पम्प आता है ये पूरा ही फाउंडेशन, जो फिट में फाउंडेशन या इस तरीके की पैकेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे, ग्लास बॉटल में है ये। इसके बाद जो है ये है फेस पैक अप्लाई करने वाला ब्रश, पैक ऑफ 2, इसकी जो प्राइस है 144 rupees है। 144 में आपको 2 ब्रश मिल रहे हैं, इसे मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ओपन करते हैं तो इस तरीके के 2 ब्रश हैं ये फेस पैक अप्लाई करने के लिए अपने फेस पे, काफ़ी अच्छे हैं। 144 में आपको 2 मिल रहे हैं, तो ये इस तरीके का सेट मिला है, काफ़ी अच्छा है ये भी।
जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट, और इसकी जो प्राइस है वो है 389 रुपीज़। आप देख सकते हैं, और इसका जो शेड है वो है 01 जो मैंने लिया है। और ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, काफ़ी अच्छा पैलेट है, मतलब 389 में बहुत ही अच्छा पैलेट लगा मुझे ये। और इसमें जो ब्लश और हाइलाइटर के शेड्स हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं, पिगमेंटेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है आप देख सकते हैं। और जो नीचे ब्लश के शेड हैं वो भी काफ़ी सही लगे मुझे, देखिए। और ये हाइलाइटर भी, मतलब बहुत ही ओवरऑल इतने प्राइस में काफ़ी अच्छा पैलेट है ये यूज़ करने के लिए, और बिगनर्स हैं या फिर ऐसे भी आप बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है। स्टूडियो लाइट ग्लो अल्ट्रा ब्लश पैलेट, काफ़ी ब्यूटीफुल कलर्स हैं इसमें ब्लश के और हाइलाइटर्स वगैरह के। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये कलर बार का अल्टीमेट नेल इनमेल रिमूवर, एसीटोन फ्री है ये और ऑरेंज चॉकलेट है ये, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है ये। कुछ 200 रुपीज़ में मुझे मिला है, और ये डिप करके रोटेट करना है आपके, ये बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए आपके नेल पेंट को रिमूव करने के लिए। बस आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है, फिंगर को डिप करके इसे रोटेट करना है, और आपके नेल्स नेल पेंट जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो काफ़ी ईजी लगता है मुझे यूज़ करने के लिए। ऑलरेडी मेरे पास एक चॉकलेट फ्लेवर में है ये, पर वो कहीं और है तो मैंने यहाँ पर ये मंगाया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है 200 में। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये बायोलेक का स्मूथ प्रूफ एवोकाडो डीप स्मूदिंग सीरम है। ये जो सीरम है ये मैंने 3 साल पहले यूज़ किया था, उसके बाद बीच में मैंने कुछ सीरम्स जो हैं ट्राई करने के लिए और भी यूज़ किए हैं, और फिर मैंने इसे ही लिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सीरम है, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को डिटेंगल करता है, स्मूथ करता है, सिल्की बनाता है। और इस पर जो है फुल रिव्यू वीडियो जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, जो कि मैंने 2 साल पहले इसे रिव्यू किया था, बहुत पसंद है मुझे, काफ़ी अच्छा लगता है। 300 रुपीज़ में ये मिला है, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता है, और इसलिए मैंने इसे मंगाया। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर ट्राई करके देखें एक बार। फिर जो सारे प्रोडक्ट हैं वो माय हॉल स्टोर लिंक में जाके आप सारे प्रोडक्ट को एक साथ आप देख सकते हैं, और उसमें से सिलेक्ट करके आपको जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है ये प्लम का कलर अफेयर विथ एवोकाडो ऑयल नेल पेंट, जो कि है शेड नंबर 139 वार्म कोकोआ, और काफ़ी ब्यूटीफुल शेड है ये आप देखेंगे तो। 195 इसकी प्राइस है, मैंने इसे अभी अप्लाई किया है अपने नेल्स पे, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये कॉटन पैड्स 100 कॉटन पैड्स है एक में, तो ये 2 पैक हैं, और दोनों जो है मुझे 175 में ये 2 के पैक मिले हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि, वैसे मैं ये अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्पॉन्ज जो है डर्टी होता है, या फिर हम थोड़े आलस कर जाते हैं कि हमें बस यूज़ करके उसे फेंकना होता है, तो उसमें मैं इस कॉटन पैड को यूज़ करती हूँ कि नाइट में अपना मेकअप रिमूव करके आप इसे, तो यूज़ एंड थ्रो वाला काम रहता है इसके साथ, तो इसलिए इजी लगता है ये। और इसके बाद जो है मैंने मंगाया है ये इनसाइट का आई शेडो बेस प्राइमर है लॉन्ग लास्टिंग, और ये कुछ है 99 रुपीज़ में ये मुझे मिला है, मुझे मैंने इसकी एक्चुअल प्राइस ही 99 रुपीज़ है। तो ये जो प्राइमर है आई प्राइमर, ये मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसकी, इस तरीके के ग्लास जैसे कि आईलाइनर वगैरह आई जेल जो आते हैं उस तरीके के, और काफ़ी क्वांटिटी कम है इसकी, पर बहुत अच्छा प्राइमर है, और क्वांटिटी इसकी कम है तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये जो है आई शेडो प्राइमर है, तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी चाहिए, आपको पूरे फेस पे तो अप्लाई करना नहीं है, सिर्फ आईज पे करना है, तो चल सकता है, आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये बेस्ट प्राइमर है, और इसे आप ट्राई कर सकते हैं अपने आई शेडो बेस के लिए। और क्वांटिटी कम है इसकी, बट प्राइस भी वैसा ही है 99 में, तो ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्लाई करना होता है आपके आईलिड पे, और पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये इनसाइट मेकअप एसेंशियल ब्यूटी ब्लेंडर, तो इसकी जो प्राइस है 125 रुपीज़ है, और ये भी जो है रियल टेक्निक्स के
जो स्पॉन्ज होते हैं उस टाइप का है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसे वेट नहीं किया है, और ये जो इस तरीके का फ्लैट स्पॉन्ज होता है वो मुझे काफ़ी पसंद है यूज़ करना, क्योंकि ये कुछ मतलब थोड़ा फास्ट होते हैं आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। और इस तरीके का जो पॉइंटेड होता है वो कंसीलर वगैरह ये आपके नोज़ के अराउंड में, आइज़ के अराउंड में अच्छे से ब्लेंड करने के लिए इस तरीके का ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा लगता है मुझे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो लग रहा है, अभी मैंने इसे वेट करके यूज़ तो नहीं किया है, बट वैसे काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, तो यूज़ करने में भी आई होप ये अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स, अमेज़न ब्यूटी हॉल पार्ट 3 में यही मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने अमेज़न से लिए हैं, और आपको कुछ भी इसमें से ट्राई करने का आप सोच रहे हैं या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, और आगे और भी अमेज़न ब्यूटी फैशन हॉल आते रहेंगे, तो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।